हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षा आज एकेडमी। सी टेट एन सी आर टी की सीरीज़ में आपका क्लास सिक्स की ज्योग्राफी की जो चैप्टर्स हैं वो कराए जा रहे हैं। आज चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, हम लोगों ने सौरमंडल पढ़ा कि किस तरह का होता है, देशांतर, अक्षांश, ये सारी चीज़ें भी पढ़ी हुई हैं। प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग क्लासेस देख लीजिए एंड चैनल को शेयर ज़रूर करिए और जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए। एंड कोई भी डाउट अगर आपका सी टेट से रिलेटेड है किसी भी सब्जेक्ट से तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर थ्री, पृथ्वी की गतियाँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। क्वेश्चन यहीं से पहली लाइन से ही बनकर आ सकता है कि पृथ्वी की कितनी गति होती है, दो। कौन कौन सी होती है? घूर्णन व परिक्रमण। ओके, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जैसे कि पृथ्वी है, अब वो अपने अक्ष पर एक ही जगह पर अगर घूमी जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? घूर्णन कहेंगे। अब ये सूर्य है, अब सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है तो उसको बोलेंगे परिक्रमण। ठीक है, जैसे आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आप क्या करते हैं? भगवान की परिक्रमा कर रहे होते हैं। ठीक है, जो मुख्य मंदिर होता है उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो उस तरह से ही आप समझ लीजिए कि सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है उसको परिक्रमण कहते हैं, और जब एक ही स्थान पर घूमती है पृथ्वी तो उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके कि पृथ्वी पर कोई रेखाएं नहीं है, जो अक्षांशीय है, देशांतर है, ये जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक मानी गई हैं, जिससे हम पृथ्वी की स्थिति के बारे में पता कर सकें। ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह के 66/1/2 का कोण बनाती है। ये समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी का आकार कैसे है? गोले के समान है, लेकिन वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर कैसी होती है? चपटी होती है। ठीक है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। भाई, अगर सूरज है यहाँ पर, मान लीजिए ये सूरज है यहाँ पर, अब पृथ्वी ये है, तो पृथ्वी के आधे भाग पर ही तो सूर्य की रोशनी होगी। जो ये वाला हिस्सा है इसमें सूर्य की रोशनी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें इससे आप समझ गए जो भी बात कर रहे थे। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। तो ये लाइन यहाँ पर याद रखिएगा कि वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो ये लाइन याद रखिएगा कि अपने ही अक्ष पर अगर पृथ्वी है, अपने ही अक्ष पर घूम रही है, तो वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगी? 24 घंटे। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। तो आप लोग ये चित्र भी देख लीजिए। अब देखिए, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जब जा रहा है तो आधे में क्या है? दिन है, और आधे में क्या है? रात है। ठीक है, ये झुकाव देख लीजिए, कितना झुकाव है, डिग्री एंगल जो भी है वो पता होना चाहिए आपको। कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी चीज़ें आपको पहली क्लास में बताई गई थी, तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। भाई, अगर आप मतलब पृथ्वी अगर चक्कर नहीं लगाएगी तो वो एक ही जगह पर सूर्य की गर्मी पड़ती रहेगी, और दूसरी जगह पर क्या होगा? सूर्य की जो रोशनी है, जो गर्मी है, ऊष्मा है, वो नहीं पहुंच पाएगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब आप ही कमरे में अगर लगातार गर्मी ऊष्मा भेजी जाती रहे तो आप एक कमरे में नहीं रुक पाएंगे, है ना? तो पृथ्वी की बात ही अलग है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, ये अभी हमने बात बताई थी आपको कि सूर्य है और अगर उसकी परिक्रमा पृथ्वी कर रही है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। टोटल 365 दिन नहीं है, ठीक है, उसमें एक चौथाई दिन और जोड़ा जाता है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे का इसमें नहीं जो 6 घंटे जो होते हैं उसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, पूरे जो आपका एक वर्ष है उसको कितने दिनों में मापते हैं? 365 में मापते हैं। जो 6 घंटे हैं उनको नहीं मापते हैं, फिर धीरे धीरे वो 6 घंटे जब इकट्ठे होकर 24 घंटे बन जाते हैं तो वो पूरा एक दिन 366 दिन का एक वर्ष मापा जाता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। इस फिगर को देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, ये सूर्य है, ये आपका वसंत ऋतु है, ये शरद ऋतु है,
ये आता है, ये डेट पूछी जाती है, ठीक है, ये एग्जाम्स में डेट पूछी जाती है कि वसंत विषुब भी ऐसे करके पूछेंगे कि वसंत विषुब कौन सी तारीख को होता है, तो आपको पता होना चाहिए वसंत विषुब 21 मार्च को होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वसंत ऋतु 23, शरद ऋतु आपका कब है, तो 23 दिसंबर को है, ठीक है। ये दिन पूछे जाते हैं, दक्षिण अब अयनांत सॉरी दक्षिण अयनांत जो है वो 22 दिसंबर को होता है, और उत्तर अयनांत आपका कब होता है, 21 जून को होता है, ठीक है। ये पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुओं की जो स्थिति है वो यहाँ पर बताई गई है। ये जो तारीखें हैं, ये चार डेट्स जो है दी गई हैं आपका, 21 जून है, 21 मार्च है, 22 दिसंबर है, 23 सितंबर है, ये तारीखें आपको पता होनी चाहिए, और इस दिन क्या क्या होता है वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम अभी यहाँ पर डिस्कशन अच्छे से करेंगे। तो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको यही चीज़ बताई थी कि 365 दिन और 1/4 यानी कि 6 घंटे, तो इन 6 घंटे को नहीं काउंट करते, सुविधा के लिए 365 दिन ही काउंट करते हैं प्रत्येक वर्ष में। और फिर जब ये 6 घंटे मिल मिल के 24 घंटे के बराबर हो जाता है, तो ये 365 दिन 4 साल बाद कितना हो जाता है, 366 दिन के बराबर, ठीक है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, जैसे कि हमेशा तो 28 की फरवरी होती है, लेकिन जब ये चौथा दिन आपका जो 6-6 घंटे करके जो 24 घंटे होते हैं, जब ये ऐड हो जाता है, तो ये फरवरी में 29 डेज काउंट कर लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि 366 दिन जिसमें होते हैं उसको लीप वर्ष कहते हैं, और जिसमें 365 दिन होते हैं उसको क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं, ठीक है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, तो ये तो एक कॉमन बात है। देखिए 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये पूछा जाता है प्रश्न कि जो पृथ्वी है वो किस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार, तो आपको पता होना चाहिए दीर्घवृत्ताकार पथ है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी सर्दी वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है, तो ये ऋतुओं की तारीख आपको जो बताई थी वो याद रखिएगा। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अब ये देखिए 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले जो भाग होते हैं लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, ओके। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है, तो प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे लंबा जो दिन है वो कौन सी डेट को होता है, तो आपको पता होना चाहिए 21 जून है, तथा सबसे छोटी रात भी 21 जून को ही होती है। भाई लंबा दिन होगा तो रात कैसी होगी, छोटी ही होगी, जाहिर सी बात है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या बोलेंगे हम, उत्तर अयनांत, ओके। ये जो 21 जून वाला दिन है उसको क्या बोलेंगे, उत्तर अयनांत बोलेंगे। अब हम बात करते हैं 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि 21 जून को कहाँ पर किस रेखा पर जो सूर्य की गर्मी है सूर्य की रोशनी है वो पड़ती है, तब आपका होगा विषुवत व्रत पे, और 22 दिसंबर को कब होगा आपका, मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं रोशनी है वो सीधी पड़ेगी, ओके। अब देखते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व किस देश में मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व किस देश में मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, प्रश्न आया हुआ है। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर, अब इन दो तारीखों को देख लेते हैं। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं, ओके। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और इसे विषुब कहा जाता है, ठीक है। अभी हमने बताया था ना बसंत विषुब, शरद विषुब, इस तरह से प्रश्न पूछते हैं कि बसंत विषुब जो है वो कौन सी तारीख को होता है, और जो शरद विषुब है वो कौन सी तारीख को होता है, ओके। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति
उसके विपरीत होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो ये गोलार्ध भी याद रखिएगा कि कौन से गोलार्ध में वसंत ऋतु है और कौन से गोलार्ध में शरद ऋतु है। ओके, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी घूमेगी तभी तो दिन रात होंगे, तभी उनमें कैसे भी जो भी घूर्णन होता है, परिक्रमण होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसी कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। तो ये आपका आज का चैप्टर 3 था, बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वन एक एक लाइन समझ लीजिए इसकी इम्पॉर्टेंट थी। तारीखें याद रखिएगा जो आपको बताएं, घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, ये सारी ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए ये जो टिक ऑप्शन वाले आपके हो गए, खाली स्थान हो गए, ठीक है, ये सारी एक्सरसाइजेस भी आप लोग साथ में करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं, हमने हमेशा बोला है। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं एनसीईआरटी से आपके, तो इसको देखते चलिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।